कैब में लिफ्ट देने के बहाने युवक को बंदी बनाकर उसके अकाउंट से 80,000 रुपए ट्रांसफर और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया। वारदात के बाद आरोपी उसे दिल्ली के सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर उद्योग विहार पुलिस ने केस दर्ज किया है। मूल रूप से राजस्थान निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वह परिवार के साथ उत्तम नगर दिल्ली में रहता है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल स्थित मार्क स्पेंसर्स में वह काम करता है। 23 जुलाई को रात 10:15 बजे वह शंकर चौक से दिल्ली के द्वारका मोड़ जाने के लिए कैब का इंतजार कर रहा था। तभी एक कैब आई और दिल्ली के द्वारका मोड़ तक छोड़ने की बात कही। कैब में पहले से ही 4 युवक बैठे थे। कैब चलते ही चारों युवकों ने उसे दबोच लिया। पीड़ित की गर्दन दबाकर उसके हाथों को बांध दिया गया और बंधक बना लिया। आरोपी ने बताया कि उसका पर्स निकाल लिया गया और उस पर पेचकस और व्हीकल पाना से कई वार किए, जिससे वह घायल हो गया और ATM कार्ड का पिन उससे पूछा गया। महिपालपुर एक ATM पर रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन गलत पिन होने के कारण ATM ब्लॉक हो गया। इसके बाद आरोपी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कैब में घुमाते रहे। रात 12 बजे की घटना है, जब ATM ब्लॉक खुला नहीं तो आरोपियों ने उसे मोबाइल लेकर खाते में 80,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। वारदात के बाद आरोपी उसे दिल्ली के धनचरी के पास छोड़कर फरार हो गए। उत्तम नगर निवासी पीड़ित का कहना है कि रोज वह शंकर चौक से घर के लिए कैब लेता था, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा वारदात अंजाम हो जाएगा। पीड़ित ने बताया कि उसके अकाउंट से 80,000 रुपए निकाले गए, जिसे वह कई सालों से जोड़ रहा था, और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। गौरतलब है कि देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जहां सरकार सुरक्षा और पुलिस के काम की सराहना करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें देश और प्रशासन की असलियत का पर्दाफाश करती हैं। ऐसे खेड़े चे कोई वे राजा दे कोई वे प्यादा, प्यादा दे राजा खेडारी ले हुंदे खेडाउणा, ते मैं कितने फैसले किन्या नूं एथे खेडाउणा, ते मैं ही खिडारियों खेड सिखाना।